अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन कैसे हैं, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का ऐसा ही हमेशा खुश रखें। दोस्तों आज मैं एक ऐसी ख़बर से आपको आगाह करने जा रहा हूं, ऐसी ख़बर बताने जा रहा हूं जिससे आप सुनकर यकीन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं ज़ुबान से भी बोलूँगा और सबूत के तौर पर मैं उस वीडियो को भी अपलोड करूँगा अपने चैनल पर, आप ज़रूर पूरी वीडियो को देखिए। अब तक हम लोग सुना था कि लड़का लड़की से शादी होती है, मर्द औरत से शादी करते हैं, मगर अजीब बात यह है कि एक इंसान ने मगरमच्छ से शादी कर ली, मगरमच्छ से उसकी शादी हो गई। और मेक्सिको में ये वाकया, ये कारनामे पेश आया और शादी के पूरे रस्म रिवाज किस तरीके से अदा किया गया है वो सारी इस वीडियो के अंदर आप समाप्त फरमाएंगे। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान बनाया। हम मुसलमान हैं, फ़ख्र से कहते हैं, हमें ईमान की दौलत से मालामाल और सरफराज अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है, तो इससे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो मुसलमान नहीं है, जिनके दिल और दिमाग में कुरान व हदीस इस्लाम नहीं है, तो वो लोग आज देखिए किस किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मर्द शख्स ने, इंसान शख्स ने मगरमच्छ से शादी को रचा ली। आप मेरे वीडियो को देखिए, जब तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, अगर पेज पर है, फेसबुक पर है तो फॉलो कर दीजिए, और दिल का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। शादी खाना बर्बादी। मेक्सिको में एक कस्बे के मेयर ने खुशहाली के लिए मगरमच्छ से शादी कर ली। इस शादी में तमाम रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को दावत दी गई और पूरी धूमधाम से इस शादी को मनाया गया। शादी में रिवायती गानों पर रक्स भी किया गया। शादी के मौका पर दुल्हन यानी मादा मगरमच्छ को रिवायती शादी के सफेद लिबास से सजाया गया। हिफाजती इकदामात के पेश नजर दुल्हन का मुंह बांध दिया गया। वीडियो में दूल्हे विक्टर ह्यूगियो सोसा को दुल्हन एलिसिया एड्रियाना यानी मादा मगरमच्छ के मुंह का बोसा लेते भी देखा जा सकता है। छोटी शहजादी का खिताब हासिल करने वाले मादा मगरमच्छ को देवता के तौर पर ख्याल किया जाता है, जो कि खुशी ही खुशी लाएगा। मैक्सिको में ये रिवायत पिछले 230 साल से चल रही है, जिसमें मर्द इंसान मादा मगरमच्छों से शादी करते हैं। इस शादी को दरअसल खुशहाली, अमन और किस्मत बदलने की अलामत समझा जाता है। अब अल्लाह ही जाने के इनकी इज़दवाजी जिंदगी कैसी होगी। ऐसे तो ये मगरमच्छ इनके हाथ छोटी शहजादी की हैसियत रखता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी कौम इंतहाई दूरबीनी से मुख्तलिफ मुआमलात का मुस्तकबिल बता देते हैं, इसलिए आप क्या समझते हैं कि इनकी जिंदगी कैसे चलेगी, इस पर तबसरा लाजमी करें। इससे पहले दूल्हे के क्या तासुरात हैं, आइए वो जानते हैं। Debemos estar pues presentables para recibir a mi futura esposa. Diferentes colores porque son, es así como los turcos también tienen diversidades de colores. Tenemos que cumplir con cierto requisito, pedirle a la naturaleza que no nos falten las lluvias, que no nos falten los alimentos, que haya peces en el río, que las cosas se pidan con ese amor para que Agua Melula no sufra, no tenga